देवप्रयाग में एनसीसी अकादमी को शिफ्ट करना सरकार के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। स्थानीय जनता पिछले 63 दिनों से धरने पर डटी हुई है। स्कूल के बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद धरना देने के लिए मजबूर हैं। हमारी एनसीसी वापस लाओ, जो पौड़ी जा रही है उसे यहाँ स्थापित करो। रहन है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम जय गुरुदेव है। हमारी एनसीसी वापिस लाओ, उसे पौड़ी में स्थापित मत करो। ये हमारे यहाँ पर जो जनता की मांग है वो 63 दिन हो गए हमें यहाँ पर कार्मिक अनशन में बैठे हुए, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर अभी हमारे बीच में नहीं आया है। हमारी मांग है कि जो 5 दिसंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर एनसीसी का शिलान्यास किया गया था, उसके लिए ग्रामीण जनता ने कैसे सपने देखे थे। उन्होंने निःशुल्क अपनी जमीन एनसीसी के लिए दी थी, लेकिन वहाँ पर डीपीआर बनने के बाद भी 10 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त डिमांड के स्वरूप भी, और मुख्यमंत्री जी इसको जो है कैबिनेट में लाकर और इसको पौड़ी ले जाने काम कर रहे हैं, इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। आज हमारा लगभग ये 62-63 दिन यहाँ पे हम बैठे हैं। मैं सरकार से ये वो करूँगा कि आज तक कोई भी व्यक्ति, जब शासन का हो प्रशासन का हो, कोई भी व्यक्ति हमारे धरना स्थल पे नहीं आया। दुर्भाग्य की बात यह है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा की थी एनसीसी की, आज वो एनसीसी जो यहाँ से पौड़ी में शिफ्ट होने जा रही है, पूरे हमारे क्षेत्र की जनता यहाँ पे 63 दिन से बैठी है कर्मी कंसन पे। तो मैं इन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो मालदा सिरकोट में एनसीसी थी वहीं पे स्थापित हो। हमने उत्तराखंड राज्य की मांग इसलिए की थी कि संपूर्ण प्रदेश का विकास हो, हमने इसलिए नहीं की थी कि हम क्षेत्रवाद की राजनीति में फंसे और कोई चीज़ हमारे टेरी में आती है वो पौड़ी ले जाएं, पौड़ी में आती है तो हम टेरी लाएं। कल मुख्यमंत्री हमारे टेरी का बनेगा तो हम ये क्षेत्रवाद की राजनीति में घिर जाएं। हम तो ये चाहते हैं कि जो चीज़ जहां आ रही है उस चीज़ को वहीं रहने दीजिए। ये क्षेत्रवाद की राजनीति, ये जो भी मुख्यमंत्री आए या इन मुख्यमंत्रियों द्वारा जो हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। लाइव उत्तराखंड के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।